वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशंस इनेबल कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट में करोड़्स, लैक्स, थाउजेंड्स और वंस, ये पीरियड्स कहलाते हैं। फोर पीरियड्स हैं, करोड़्स, लैक्स, थाउजेंड्स और वंस, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। उसके बाद वंस पीरियड में तीन प्लेसेस हैं, इसको हम लोग यूनिट प्लेस बोल सकते हैं या वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस। उसके बाद थाउजेंड्स वाले कॉलम में थाउजेंड्स प्लेस और टेन थाउजेंड्स प्लेस। उसके बाद लैक्स वाले कॉलम में भी लैक्स प्लेस और फिर टेन लैक्स प्लेस। फिर करोड़्स वाले पीरियड में दो प्लेस, करोड़्स और टेन करोड़्स। तो ये करोड़्स, लैक्स, थाउजेंड्स और वंस पीरियड्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। एंड टेन करोड़्स, करोड़्स, टेन लैक्स, लैक्स, टेन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स, ये सारे प्लेसेस हैं। तो हमारे सामने कुछ नंबर है, अगर इस नंबर को हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में सजाना चाहें तो किस तरह सजाएंगे, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसको पढ़ते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़। इससे पहले हम लोग इसके बीच में कॉमा लगाते हैं। फर्स्ट पीरियड में थ्री प्लेसेस हैं, इसलिए थ्री प्लेसेस के बाद कॉमा। उसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड्स में दो प्लेसेस हैं, इसलिए दो के बाद कॉमा। अब हम लोग देखते हैं थ्री किस प्लेस पे है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़। तो टेन करोड़ वाले प्लेस पे है, तो टेन करोड़्स वाले में हम लोग थ्री लिखेंगे। टेन करोड़्स प्लेस पे थ्री लिखेंगे। उसके बाद टू करोड़्स प्लेस पे है, तो यहाँ लिखेंगे टू। फिर ज़ीरो टेन लैक्स प्लेस पे है, तो यहाँ ज़ीरो। फिर टू लैक्स प्लेस पे टू। फिर ज़ीरो टेन थाउजेंड प्लेस पे। फिर टू थाउजेंड्स प्लेस पे। फिर टू हंड्रेड्स प्लेस पे। और ज़ीरो ज़ीरो टेंस और यूनिट्स प्लेस पे। तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे। थर्टी टू करोड़्स, टू लैक्स, टू थाउजेंड्स, टू हंड्रेड। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्स इंटू वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, टेन करोड़। टेन करोड़ मतलब सिक्स टेन करोड़ वाले प्लेस पे है, तो टेन करोड़ के प्लेस पे सिक्स लिखते हैं। उसके बाद है एट इंटू वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़। तो एट करोड़्स के प्लेस पे है, तो एट। उसके बाद नाइन किस प्लेस पे है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड प्लेस पे नाइन होगा, तो टेन थाउजेंड वाला प्लेस यहाँ है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नाइन। उसके बाद वन इंटू हंड्रेड, तो वन हंड्रेड्स प्लेस पे होगा, तो वन यहाँ वन लिखेंगे। उसके बाद फोर इंटू टेन, तो फोर टेंस प्लेस पे, तो यहाँ लिखेंगे फोर। अब बाकी जो जगह खाली बच रहा है, ब्लैंक स्पेस, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। यहाँ लिखें ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड देखते हैं। फोर करोड़ एट लैक फिफ्टी टू। तो इसको किस तरह से हम लोग इस प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाएंगे। फोर करोड़ यानी फोर करोड़्स वाले प्लेस पे लिखा जाएगा, तो फोर करोड़। और एट लाख, तो एट को लिखेंगे लैक्स प्लेस पे, एट लाख। और फिफ्टी टू, तो फाइव, फिफ्टी टू में फाइव टेंस और टू वंस है, तो फाइव टेंस के प्लेस पे और टू
यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया 52। अब जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ क्या करेंगे, ज़ीरो डालेंगे खाली जगह पे। 10 लाख वाले प्लेस पे ज़ीरो, 10,000 प्लेस पे ज़ीरो, थाउजेंड्स प्लेस पे ज़ीरो और हंड्रेड्स प्लेस पे ज़ीरो। अब इसको पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़, 8 लाख, 52। यही लिखा हुआ है यहाँ, 4 करोड़, 8 लाख, 52। एक और एग्जांपल देखते हैं, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 1, 2, 9। ये एक एग्जांपल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर यानी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के लिए सबसे पहले पीरियड्स को सेपरेट करेंगे। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों प्लेस किसके अंदर आता है, वंस वाले पीरियड के अंदर। तो यहाँ लगाएंगे कॉमा। फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ये दोनों आता है थाउजेंड्स कॉलम के अंदर। तो फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, सेपरेट कर रहे हैं पीरियड्स। उसके बाद लैक्स, टेन लैक्स, ये आता है लैक्स वाले पीरियड के अंदर। तो यहाँ लगाएंगे कॉमा और फिर करोड़, टेन करोड़। इसको हम लोग अब इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं। तो ये है करोड़ वाले पीरियड में 67 करोड़। तो यहाँ लिखेंगे 67 एक साथ। उसके बाद ये है लैक्स वाले पीरियड में, लैक और 10 लाख प्लेस पे है, तो लैक और 10 लाख दोनों एक ही पीरियड में आता है। तो यहाँ लिखेंगे 81 लाख। उसके बाद 3, 5, 5 थाउजेंड्स और 3, 10 थाउजेंड्स, दोनों थाउजेंड्स वाले पीरियड में आता है। तो यहाँ लिखेंगे 35 थाउजेंड्स। उसके बाद वन है हंड्रेड प्लेस पे, वन स्टेंस हंड्रेड, तो हंड्रेड प्लेसेस पे वन, टू है टेंस प्लेस पे, तो यहाँ टू, और ये है यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब हम लोग इसको बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, 67 करोड़, 81 लाख, 35 थाउजेंड्स, और ये तीनों मिलके 100, 2 टेंस और 9 वंस मिलके बनता है 129। तो इसको हम लोग अब पढ़ सकते हैं, 67 करोड़, 81 लाख, 35 थाउजेंड्स, 129। तो पीरियड को सेपरेट करने से हम लोग किसी भी नंबर को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही।